अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8, 9, 10 जनवरी को इंदौर में होने वाला है। इसे लेकर इन दिनों तैयारियों का दौर जारी है। यहां आने वाले और रहने का खर्च NIR को खुद ही उठाना पड़ेगा। हालांकि इंदौर की होटल एसोसिएशन और होटल मालिकों का दावा है कि वाराणसी में जो NRI सम्मेलन हुआ था, यहाँ खर्च उसकी तुलना में आधा ही रहेगा। दरअसल यहाँ की होटल और खान पान इंडस्ट्री इसे बिजनेस की जगह अवसर के तौर पर ले जा रही है, ताकि इंदौर का आतिथ्य पूरी दुनिया देख सके। NRI के लिए होटल में रूम रिजर्व कर दिए गए हैं, साथ ही उन्हें कम रेट पर रूम उपलब्ध हो सके, इसका खास तौर से ध्यान रखा गया है। इंदौर होटल एसोसिएशन ने खास तौर पर इसके लिए पहल की है, जिसके बाद 5-स्टार होटल में NRI को वाराणसी की तुलना में आधे रेट पर रूम उपलब्ध होगा। 2019 में प्रवासी सम्मेलन के दौरान वाराणसी में होटल में रुकने के लिए प्रवासी भारतीयों को 30,000 से 35,000 रुपए तक खर्च करने पड़े थे। इंदौर होटल एसोसिएशन के साथ टाई अप कर सरकार ने होटल बुकिंग की कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में NRI की तरफ से सरकार को मैसेज मिले थे, जिसमें रूम का किराया अधिक होने की बात प्रवासी भारतीयों ने कही थी। साथ ही होटल की तरफ से बुकिंग की व्यवस्था को बैन कर दिया है। अंदेशा था कि बुकिंग एजेंट अभी से रूम बुक कर प्रोग्राम के पहले उन्हें ऊंचे दामों पर NRI को बेच सकते हैं, लिहाजा बुकिंग का सारा काम काज सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुकिंग की प्रक्रिया को बैन कर दिया। ऐसा पहली बार ही हुआ है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से ही बुकिंग हो रही है। बुकिंग अमाउंट भी सरकार के पास ही जाएगा और आखिर में सरकार की तरफ से संबंधित होटल एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतान किया जाएगा। अध्यक्ष सुमित सूरी ने बताया कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए सभी होटलों के करीब 3,000 रूम रिजर्व किए गए हैं, ताकि किसी को भी परेशानी नहीं हो। कुल मिलाकर करीब 7,000 रूम होटलों में उपलब्ध हैं। ऐसे में जनवरी में आम लोगों को 6 से 14 तारीख के दौरान होटल में रूम मिलने में परेशानी आ सकती है। शादियों का सीजन भी रहेगा, ऐसे में रूम मिलने में दिक्कत आ सकती है। इंदौर आने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए होटल में विशेष रंगोली बनाई जाएगी, डेकोरेशन किया जाएगा, सेल्फी पॉइंट भी बनेंगे, मालवा के व्यंजन उन्हें परोसे जाएंगे, इंदौरी स्वाद का ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं, होटल में स्टाफ की अलग से एक टीम बनाई जाएगी, जो सिर्फ NRI से ही डील करेगी। उनकी परेशानी सहित अन्य चीजों को लेकर उन्हें तुरंत मदद उपलब्ध करवाएगी। ऐसे रहेगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी असुविधा ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा सम्मेलन है, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है। तो हमारे होटल्स जो भी हैं, उन लोगों ने, सभी होटल्स ने आज जो हम लोगों के प्रचलित दर हैं, तकरीबन उसी रेट के ऊपर कमरे देने का निर्णय लेकर के एक बहुत अच्छे रेट सबमिट करे हुए हैं। सरकार के साथ और एसोसिएशन के साथ बैठ करके जो रेट तय हुए हैं, वो सभी होटेलियर्स ने ससम्मान उसको स्वीकार भी कर लिया है। और जो पहले रेट हम लोगों की तरफ से दिए गए थे, उन रेटों में और अब जो रेट जिसके ऊपर बुकिंग हो रही है, अगर देखेंगे तो तकरीबन हमारी तरफ से 35 से 40% रेट कम करके सबमिट किया। ये सिर्फ प्रवासी भारतीय जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके सम्मान में और वो अच्छे से रह सकें। अगर किसी भी प्रकार से कोई रेट ऐसा ना लगे उनको देख करके, कि हम लोग इसको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं, ये हमारी तरफ से एक आतिथ्य जो हमारा उन लोगों ने स्वीकार करा है, उसके प्रति हमारा ये एक सबमिशन है जो हम कर रहे हैं। पर ये 3,000 रूम्स जिन होटलों में हैं, 37 होटल हैं, इसके अंदर हम लोगों ने और किसी भी तरह की बुकिंग नहीं ली है। सारी इन्वेंट्री मध्य प्रदेश पर्यटन की तरफ हम लोगों ने दे दी और वहीं से हमारे यहाँ बुकिंग होगी। तो हमारी पूरी इन 37 होटल्स की इन्वेंट्री दी जा चुकी है गवर्नमेंट को। आने वाले लोग चूंकि भारतीय हैं और प्रवासी भारतीय हैं, अपने देश में आ रहे हैं, तो उनका भारतीय अंदाज में भारतीय तरीके से ही स्वागत किया जाएगा। तिलक रोली लगा करके उनको ससम्मान यहाँ पे स्वागत किया जाएगा और प्रयास ही रहेगा कि जो यहाँ खाना खाएं वो भी हमारा इंदौर का मालवा का व्यंजन उनको उपलब्ध हो सके।